सो डियर चिल्ड्रन, आज आपका देखिए 27th हो गया है और आपने शीयर स्ट्रेन का डेफिनेशन जो है अभी देखना है, लिखना है। आइए पहले वो लिख लें, फिर आगे चलेंगे बेटा। शीयर स्ट्रेन, इसको बच्चों डिफाइन करने के लिए मैं एक बार फिर से डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं। आपने कल एक क्यूब ड्रॉ किया था, क्यूबॉइड या क्यूब आप कह सकते हो, और आप इसको कुछ इस तरीके से फिर से बना सकते हैं। ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड बेटा, और आपके ये फेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं आपके क्यूबॉइड के या क्यूब के। और जो बिल्कुल बॉटम वाला फेस है ये हमारा बेटा फिक्स्ड है, इसमें आपने ये सरफेस ऑफ द गिवन टेबल या कोई भी सरफेस है उसके साथ आपने इसको फिक्स कर रखा है। और आपने कुछ इस तरीके से कल एक डायग्राम बनाया था, एफ वाज द फोर्स यू हैव अप्लाइड एंड दिस कंपोनेंट ऑन अकाउंट ऑफ दिस एंगल थीटा वाज सेड टू बी एफ कॉस ऑफ एंगल थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास बच्चों एफ साइन ऑफ एंगल थीटा जो है इट विल बी देयर विद यू। और इसकी वजह से आपको याद होगा आपका जो शिफ्ट है प्लेन्स में शिफ्टिंग हो गया था, ये जो प्लेन है आपका इट गॉट शिफ्टेड अ लिटिल बिट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड। ये आपका टेंजेंशियल फोर्स है, ये नॉर्मल टू द सरफेस आपने फोर्स अप्लाई किया था। और आपका ये देखिए डियर चिल्ड्रन, आपने एंगल थीटा जो है इतने एंगल पे अपना ये वर्टिकल प्लेन शिफ्ट कर दिया, टिल्ट कर दिया था। सो इस केस में बेटा जब हम बात करेंगे, लेट अस सी अगेन, इसको आई थिंक आपने कैपिटल एल बोला था बेटा, इसको देखना जरा। हाँ जी बेटे, है ना, और ये वाला आपने बोल दिया था डेल्टा एल, आई थिंक लास्ट टाइम वैसे हमने किया था। और शीयर स्ट्रेन हमारा सिर्फ डिफाइन करने वाला ही रह गया था। शीयर स्ट्रेन जो है बेटा, एक बार सुन लीजिएगा फिर मैं लिख भी देता हूं। इट इज डिफाइंड एज दिस एंगल इन रेडियंस थ्रू विच दिस वर्टिकल प्लेन इट गेट्स शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल प्लेन है आपका ये वाला, ये प्लेन कितने एंगल पर शिफ्ट कर गया along the direction of the applied tangential force with respect to this particular horizontal plane, इसको आप बोल दोगे आपका shear strain बेटा। So shear strain जो है बेटा, it is defined as the angle in radians through which the vertical plane, gets shifted along the applied tangential force with respect to the horizontal surface। तो ये बेटे आपका थीटा बन गया था, थीटा से आपने लास्ट टाइम इसको डिनोट भी किया होगा, एंड दिस इज डेफिनेटली देन डेल्टा एल अपॉन एल। बेटे डेल्टा एल और एल इनके यूनिट सेम रहेंगे, एंगल के वैसे भी कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, तो आपका जो शीयर स्ट्रेन है इसके भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे जैसे बाकियों के नहीं है। आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, इनके कोई भी यूनिट्स नहीं है, एंड सो इज द केस विद द शीयर स्ट्रेन। चलें पुत्र आगे, अब स्टेटमेंट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ इसके बाद
हमने बेटे बात करनी थी इलास्टिक लिमिट की। आइए थोड़ा समझे पहले इलास्टिक लिमिट क्या है और हम इलास्टिक लिमिट पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास एक वायर है, स्टील का वायर है। आपने इस वायर को विद रिस्पेक्ट टू दिस रिजिड सपोर्ट सस्पेंड कर रखा है बेटा, और इसके लोअर एंड पे आपने स्लॉटेड वेट्स अटैच करने की प्रोविजन रखी हुई है। आपने पहले एक स्लॉटेड वेट अटैच किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा अटैच कर दिया, और आपके वायर की लेंथ में चेंज आपने नोटिस कर लिया। मान लीजिए आपका जो वायर है ये आपका कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अपनी लेंथ को ये इंक्रीज कर जाता है बाई एन अमाउंट से डेल्टा एल बेटी, ओरिजिनल लेंथ बीइंग एल, स्मॉल एल इसका। अगर ऐसा हो जाएगा बेटा तो आप जैसे जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स इन दी फॉर्म ऑफ स्लॉटेड वेट्स रिमूव कर लोगे, जैसे एक एक करके आपने पहले ऐड किया, ऐसे ही एक एक करके आप अगर रिमूव कर लोगे वेट्स को, तो आपका वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर लेगा। फिर आप क्या करते हैं कि जितना आपने प्रेजेंटली ये लोड अप्लाई किया था इससे और ज्यादा लोड अप्लाई कर देते हैं, और एक स्टेज आएगा उसके बाद अगर आप उस स्टेज को क्रॉस कर जाती हो, इन टर्म्स ऑफ वेट कह रहा हूं मैं, अगर आप उससे ज्यादा वेट अटैच करोगे तो वायर अपनी इनिशियल लेंथ को कंप्लीटली रीगेन नहीं करता, उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा थोड़ा बहुत। हमने उस मैक्सिमम लिमिट की बात करनी है जहां तक अगर आप अपना अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें या आप स्लॉटेड वेट्स ऐड करें ताकि आपका वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कंप्लीटली कर जाए। अगर बियॉन्ड विच आप चले जाओगे तो वो रीगेन नहीं करेगा। तो दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स दैट इज कॉल्ड बेटे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब फिर बेटे सिंपली ये हुआ, ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है स्ट्रेस का जितना आप अप्लाई कर सकते हो और जिसके रिमूवल के बाद इसमें परमानेंट स्ट्रेन कोई ना रहे। सो दैट इज कॉल्ड योर इलास्टिक लिमिट बेटा। और बच्चों इलास्टिक लिमिट आपका मटेरियल टू मटेरियल बदलता रहता है। आयरन के लिए और होगा, स्टील के लिए और होगा, जिंक के लिए और होगा। और आप देखिए, आप अपने सिटी के राउंड अबाउट अगर नजर अपनी दौड़ाएं तो फ्लाईओवर बड़े बड़े बने हुए हैं। फ्लाईओवर्स में ये इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक स्ट्रेंथ, इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है कि कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में डाला जाएगा। हम ऐसे ही विदाउट कैलकुलेशन कोई भी फ्लाईओवर या कोई भी ऐसी लार्ज साइज की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। इनमें इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कीपिंग इन माइंड द इलास्टिक लिमिट चेक करके फिर ये डिजाइन फाइनल किए जाते हैं। सो इट इज अ बिग बिग ब्रांच ऑफ योर इंजीनियरिंग टर्म्ड एज सिविल इंजीनियरिंग बेटा। सो इसमें हम आगे चलिए इसकी बात कर लें, थोड़ा डिफाइन कर लें इसको, फिर आगे चलेंगे बेटा। इलास्टिक लिमिट जो है ये बेटे आइए डिफाइन कर लें। इलास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट व्हेन रिमूव्ड कॉमा देन द गिवन मटेरियल ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन कंप्लीटली बियॉन्ड विच इफ द वायर
stress is applied beyond this limit, then a permanent change is noticed in the configuration of the given object, maybe shape में, size में या length में, जो भी parameter आप consider कर रहे हो उसमें permanent strain या permanent change आ जाएगा, permanent set भी इसको बेटे इस language में कह देते हैं। So बेटा elastic limit हमने इस तरीके से define कर लिया। एक term आता है ultimate stress, थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं। अल्टीमेट स्ट्रेस होता है बेटे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डाल सकते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है उसका वो ब्रेक ना कर जाए या यील्ड ना करना स्टार्ट कर दे या उसमें परमानेंट चेंज ना आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे जो आप मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहे हो इसको ही रादर अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे स्टील है, स्टील का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है 3 × 10⁸ N/m² के बराबर है। इससे बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस डालेंगे फिर स्टील में भी परमानेंट चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मे बी अगर आपके पास कोई वायर है तो लेंथ में परमानेंट चेंज आ जाए, अगर कोई ब्लॉक है तो उसकी शेप में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक है, परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बेटा जो है इसी मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते हैं जिसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उस मटेरियल पे तो मटेरियल में मे बी परमानेंट चेंज आ जाए, वो ब्रेक कर जाए, वो यील्ड करना स्टार्ट कर दे। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपके पास एक रिफिल है पेंसिल का, उसको आप थोड़ा सा हीट कर देते हो और इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं बाई स्ट्रेचिंग, तो उसकी एक पॉइंट पर आकर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, थिन होता जाता है, होता जाता है, अल्टीमेटली टूट जाता है बीच में। सो ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस उसी मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स की हमें याद दिलाता है जिसके बियॉन्ड अगर आप अप्लाई कर दोगे फोर्स को तो आपका मटेरियल जो है उसमें परमानेंट सेट, परमानेंट डिफॉर्मेशन, मे बी वो ब्रेक हो जाए, मे बी उसमें बेटे कोई और तरीके की चेंजेस नोटिस जो है वो कर ली जाए। तो अल्टीमेट स्ट्रेस का जो कंसेप्ट है बेटा इसको माइंड में रखते हुए आपका जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप हाइट कैलकुलेट करोगे यू विल रियलाइज दैट आपका हाइट बिल्कुल उतना ही आता है जितना उसका है प्रेजेंटली बेटा। सो इन दिस वे हम आगे चल के करेंगे। प्रेजेंटली हमारे पास बेटे आगे नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। बेटा हुक्स लॉ हमें कह देता है कि जब तक आप अपने मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब आपने स्ट्रेस अप्लाई करना है लेकिन इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना, उससे पहले पहले रहना है, तो उतने स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस डालते जाओगे उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होता जाएगा, अगर आप हटा लोगे वो वापस अपनी लेंथ को या पोजीशन को या कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आइए इसको स्टार्ट करें। देखें हुक्स लॉ जो है बेटा इट स्टेट्स दैट, मैं पहले शुरू में लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन के चांसेस ही ना रहे, विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो हमने यहीं पे बात खत्म ही कर दी कि इसको क्रॉस ही नहीं करना। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेन, ये आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आप इसको हटा देंगे आपके पास आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन, और
ये आपका जो k है इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम जनरली बेटे e लिखते हैं इसको, वैसे k नहीं लिखते इसको, जनरली e लिखते हैं। e जो है ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटे। सो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो आपके पास फिर क्या चीज बन गई बेटा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। आई होप आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, मे बी उस टाइम पे हमें नहीं पता था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो अब तो हम इन टर्म्स के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, तो आपने इनका डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे जैसे टर्म्स आ रही हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है, साथ साथ आप देखते जाइएगा ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, वी शुड बी इन ए पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट बेटा। इसके बाद बेटे हमारे पास है, हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और इसकी बेटे टाइप्स कौन कौन सी है। आइए देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स, बेटा हेडिंग लिख सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स बेटे। तो ये बेसिकली हमने डिफाइन कर ही लिया है, यही इसको बोलते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है ई, इट इज बेटे डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और ई इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। इसके पुत्र यूनिट्स क्या होंगे ई के, हाँ जी आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गुड, क्योंकि स्ट्रेन के तो कोई होते ही नहीं है, इट विल बी हैविंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज इट्स यूनिट्स बेटा, इनका आपने खास ध्यान रखना है। सो आइए आगे चलें, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। मैं बेटे यहाँ पे कह रहा था इसकी टाइप्स के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है आपको, टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी बेटा, टाइप्स इसमें आपके पास पहले आ जाता है मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, सेकंड है बल्क मॉडुलस, और थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आइए बेटे इनके बारे में वन बाय वन जरा बात करके देखें कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनको हम, और क्या इनकी बेटा इंपॉर्टेंस है। लेट्स बिगिन विद यंग्स मॉडुलस बेटा, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फर्स्ट टाइप है, यंग्स मॉडुलस। इसको बेटे आप वाई से ही डिनोट करते हैं ज्यादातर, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इट इज बेटे डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain, that is y is equal to normal stress divided by longitudinal strain। आइए मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूं, डायग्राम बनाकर हेल्प कर दूं आपकी समझने में कि हम समझ कैसे सकते हैं इसको, पूरे के पूरे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को बेटा।
इमेजिन करिएगा ये आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से आपने वो ही अपना वायर स्टील वाला जो हम जनरली कंसीडर करते आ रहे हैं इसको सस्पेंड कर रखा है, और ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड है या अप्लाइड लोड है। इसका लेंथ आप इमेजिन कर लीजिए एल है, और इस अप्लाइड लोड की वजह से बेटा आपका जो वायर है इसकी लेंथ में एक चेंज नोटिस किया जाता है, और ये जो चेंज है लेट इट बी बेटी डेल्टा एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया जो है मैं अलग से इसको मैग्नीफाई करके अगर बना लूं तो ये वाला एरिया जो है लेट इट बी कैपिटल ए, स्मॉल ए कह सकते हो, कैपिटल ए कुछ भी कह लो आप, और ये जो आपका लोड अप्लाइड है बिकॉज इट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ये आपका एफ के बराबर हमने कह दिया। सो इस केस में आपका जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा बेटा इट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस, बेटी कितना हुआ फिर इस केस में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इट विल बी एफ डिवाइडेड बाई ए, और बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हुआ डेल्टा एल बाई एल, बहुत बढ़िया बेटे वेरी नाइस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ अपॉन ए डेल्टा एल, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिख लो, कैपिटल में तो कैपिटल लिख लो बेटा। तो ये आपके पास आ गया जी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान रखिएगा आपको इन पैरामीटर्स में से कोई एक नहीं दिया होगा, बाकी सारे गिवन होंगे तो आपको निकालना पड़ेगा, और अदरवाइज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर एक मटीरियल के लिए फिक्स है। स्टील के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, आयरन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, निकल के लिए अलग, टंगस्टन के लिए अलग। आप अगर अपना बुक देखेंगे खोल के तो उस पर एक टेबल बना रहे होगा, उसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट 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 मटेरियल्स का आपको दिया होगा, प्रैक्टिकल की नोटबुक पे भी होगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा और उसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा फिगर्स को भी देखने की कि कितनी कितनी इनकी वैल्यूज है बेटा, राइट बेटा। सो इन पैरामीटर्स में भी ऑन द लेफ्ट और राइट साइड पे जो है इनमें से एनी वन आपको नहीं दिया होगा, बाकी आपको कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, हम करेंगे भी लेकिन एक दो पीरियड्स के बाद, राइट। इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। आइए देखें व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इसको बेटा हम बी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर दिया जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं पुत्र। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो यहां पे भी मैं बदल देता हूं, आई विल हैव नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी बेटा, राइट बेटे आप नोट कर लीजिए कोई बात नहीं, एक मिनट लगा लो। आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप एक सॉलिड स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं, ये सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपने इमेजिन किया और इस ऑब्जेक्ट को आपने इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर दिया बेटा, और ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वजह से क्या हुआ आपका जो वॉल्यूम है इस स्फीयर का उसने चेंज नोटिस किया गया। पहले वॉल्यूम वी था, बाद में वी डैश हो गया, डेल्टा वी आपका वी डैश माइनस वी हो गया, डेल्टा वी पुत्र आपका नेगेटिव आ जाएगा, राइट। सो इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस तो आपका डेफिनेटली फोर्स पर यूनिट एरिया ही रहेगा, और आपका जो बल्क मॉडुलस है अगर आप निकालना चाहोगे इट विल बी एफ अपॉन ए मे बी कैपिटल मे बी स्मॉल डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन बी। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, साइन छोड़ रहा हूँ प्रेजेंटली, अदरवाइज आप साइन साथ लेके चल सकते हैं। सो बी विल बी बेटा एफ अपॉन ए डेल्टा वी बाई वी बेटा,
तो ये चीज आपके पास बेटे बन जाती है यूनिट्स। इसके भी आपके स्ट्रेस वाले ही रहेंगे, स्ट्रेन के कोई यूनिट होते नहीं है। और ये जो जितने भी पैरामीटर्स आप देख रहे हो, इनमें बी आपका बल्क मॉडुलस है, एफ आपका अप्लाइड फोर्स है जो आपने अप्लाई कर रखा है, वी इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है, और ए एरिया सरफेस का है, डेल्टा वी चेंज इन द वॉल्यूम, डिक्रीज इन द वॉल्यूम है। तो इनमें से कोई एक आपको नहीं दिया होगा, बाकी के आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में ऐसे कह सकते हैं कि एक आयरन का बॉल है या इस मटेरियल का बना हुआ बॉल है, उसको आपने सी बेड पे रखा, तो एयर वाटर कॉलम की हाइट इतनी है तो उससे प्रेशर आ जाएगा, उसका सरफेस एरिया इतना है, उसका वॉल्यूम इतना बदल गया, ये निकाल दो, ये चीज आपको दी गई है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, राइट बेटा। देन तीसरी टाइप हमारी है बल्क मॉडुलस के बाद बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आइए इसको, इसका इसके साथ एक और छोटी सी टर्म रिलेटेड है, कंप्रेसिबिलिटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट कर लीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी छोटी सी टर्म आती है, कंप्रेसिबिलिटी। इसको के से डिनोट करते हैं बेटा, और जो कंप्रेसिबिलिटी है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको याद रख लीजिए, जो हमने डिस्कस किया है बी के बारे में उसको आप उल्टा कर दीजिए, आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी का आप कहीं भी आपको यूज करना है अकॉर्डिंगली, आप न्यूमेरिकल वगैरह में यूज इसको कर सकते हो। हो सकता है कि कई बार एग्जामिनर आपको थोड़ा मुश्किल सिचुएशन में डालने के लिए बी ना दें, के दे दें, कंप्रेसिबिलिटी दे दें, तो हमें एक स्टेप फालतू का करना पड़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो इसके बाद बेटी हमारे पास नया टर्म है, थर्ड टर्म है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको बेटे आप कैपिटल जी से जनरली डिनोट करते हैं, और ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन का रेशियो है, उसको आप बेटे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह देते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसमें हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस बेटे इन्वॉल्व रहेगा, टू द शियर स्ट्रेन। जैसे आपने वो अभी अभी डायग्राम एक बनाया भी था, अगर मैं हेल्प ले लूं उसकी दोबारा डायग्राम की बेटे, मैं जल्दी से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप जल्दी से देख लीजिएगा। ये आपके पास आपका क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है ऐसे पड़ा है, आपने फोर्स अप्लाई किया, इसका इतना एंगल ये प्लेन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पहुंच गया है अभी ये इतने एंगल पे शिफ्टिंग होने के बाद, और आपने इसको एल बोला था, इतने हिस्से को आपने डेल्टा एल कहा था, थीटा आपका बेटे डेल्टा एल बाई एल था, और आपने टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, ये वाला आई थिंक आपने इसको एफ कॉस थीटा बोला था, तो यू मे कॉल इट एज एफ कॉस थीटा आल्सो। एरिया आपका इस केस में बेटे ये जो सरफेस का था, ये नीचे वाला पार्ट यही रहेगा जो कॉन्टेक्ट में है ऑलरेडी। सो आप इस केस में ये कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो जी है, इट इज इक्वल टू बेटा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस ही है बेटा, इट विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस ही रहेगा। आप वैसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कैपिटल ए लिखना, कैपिटल ए अगर आप लिखा है तो ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई थीटा लिख सकते हो आप, कई केसेस में आपको थीटा ही दिया होगा और कई केसेस में वो इन टर्म्स में भी आपको बात कर सकते हैं, दैट इज आपका जो कैपिटल जी है इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अमाउंट बाई विच द वर्टिकल प्लेन गेट्स शिफ्टेड डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वर्टिकल प्लेन। इसको लेंथ के साथ कंफ्यूज नहीं होना, आपके वर्टिकल प्लेन का साइड का
ये साइज है, लेंथ हम इसको जनरली नहीं कहते। सो बेटर है आप इसको याद रख लीजिएगा, थीटा की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये आपको अगर ये चीज दी हुई, अच्छा बच्चे एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जो इससे पहले वाला हमने बल्क मॉडुलस कहा है ना, उसमें वो यहाँ पे प्रेशर भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया आपको प्रेशर भी दे देता है। जैसे मैंने बात की थी कि लेक है या सी है, उसके बेड पे आप एक मेटेलिक बॉल को ले गए, वो प्रेशर आप वाटर कॉलम का निकाल लोगे, तो आप इसकी जगह पर डायरेक्टली प्रेशर वाली टर्म भी यूज कर सकते हो, तो वहां पर उसको देखकर घबरा नहीं जाना। बाकी का फिर कल करते हैं। थैंक यू ऑल।